तो एक बढ़िया सा गेम प्ले जा रहा होता है, लेकिन फिर तुम्हारे गेम प्ले को लग जाती है नजर, नजर एक कैंपर की। अब इससे पहले कैंपर अपना दिमाग खाली करे, क्यों ना इस इवेंट को खाली किया जाए। अब ये चला रहा था सामने पे गोली, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई जरूर होगा। ये उठा ली एक फ्री की किल। अब इसको तो पूरा खत्म किया, लेकिन अंदर पे ये जो कमरा है, यहाँ पे मुझे एक प्लेयर भागते हुए दिखता है। अब ये देखो, बिल्कुल जंप करके हवा के अंदर इसको दबोच लिया। और ये पक्का यहाँ पे टेलीपोर्टर यूज करके ऊपर आए होंगे। अब मेरा एक टीममेट यहाँ नीचे वाले फ्लोर पे किसी के साथ लड़ाई कर रहा होता है। अब मेरा टीममेट लिफ्ट से ऊपर आते आते इसको पूरा फिनिश कर देता है। लेकिन अपने टीममेट को भी दबोच लिया जाता है। अब इसको तो नॉक कर दिया, लेकिन यहाँ आसपास पे एक और प्लेयर होता है जो यहाँ पे M4 चला रहा था। Come to me. लेकिन इससे पहले अपना टीममेट ब्लीड आउट हो जाए, बचाने के लिए जाना पड़ेगा। अब मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ, लेकिन बाहर से फुटस्टेप आ रहे होते। अब उसके बाद यहाँ पे एक दो बिट्टू आते हैं और उसके बाद ये इवेंट हो जाता है पूरी तरीके से खाली। तो मैं अपने टीममेट के साथ आ जाता हूँ इस छोटे वाले इवेंट पे, और यहाँ सामने पे गोली चली थी। अब एक को तो पूरा नॉक एंड फिनिश कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा बंदे, तो मैं वेयरवुल्फ बनके कर देता हूँ इनके ऊपर रश। Let's go! अब इतने बंदों को मारने के बाद भी पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे टीममेट के पास स्कोप नहीं होता। I need a scope. तो मैं चला जाता हूँ फार्म के शॉप पे अपने टीममेट को स्कोप दिलाने, लेकिन यहाँ पे पहले ही कुछ बाराती हमारे स्वागत में तैयार बैठे। तो वीडियो के शुरुआत में ही बात हुई थी कैंपर की, और इससे पहले तुम लोग बोलो कि भाई कैंपर कहाँ पे,
तो इस वेयर हाउस के अंदर टोटल 3 बंदे बैठ रखे थे, लेकिन सामने सिर्फ 2 आए क्योंकि इनका तीसरा टीममेट यहाँ कोने में डब्बों के पीछे कैंपिंग डाल के बैठ रखा था। अब सबसे पहले तो इसने मेरे टीममेट को नॉक किया और उसके बाद जब मैं इसके बंदे से फाइट ले रहा था तब इसने उसके बंदे को कवर फायर दे के मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया और मैं नॉक हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी बहाना नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर तुम वीडियो को रिवाइंड करोगे तो तुम देखोगे कि जिस बंदे से मैं फाइट ले रहा था उसने मुझे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं दिया था, मुझे डैमेज अलग साइड से ही पड़ा था। खैर अब क्या ही कर सकते है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाकेबाज वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।